खबर के साथ करेंगे। आरा से बड़ी खबर मिल रही है जहां चलती ट्रेन में 3 राउंड की फायरिंग की गई और बताया जा रहा है कि चलती ट्रेन में एक युवक को गोली मारी गई है। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने गोली मारी है। चेन पुलिंग कर फिर अपराधी मौके से फरार भी हो गए। पटना लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि पटना लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस स्लीपर कोच में वारदात हुई है। 4 से 5 की संख्या में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया और फिर चेन पुल करके फरार हो गए। घटना के बाद सनसनी मच गई और चलती ट्रेन में यात्रियों के बीच काफी देर तक अफरातफरी का माहौल बना रहा। सूचना के बाद आरा जीआरपी थाना अध्यक्ष और आरपीएफ के जवानों ने आरा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर घायल को ट्रेन से उतारा और फिर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे पटना के लिए रेफर कर दिया गया है। हम लोग सोए हुए थे। किस ट्रेन में थे? यही जनता एक्सप्रेस जाती है बॉम्बे वाली। कहाँ से आप जा रहे थे? पटना से जा रहे थे, डीडीयू जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? डीडीयू। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? उसके बाद वो हम लोग आराम से सोए हुए थे मेरे सीट पे। हाँ, नीचे लोअर बर्थ हम लोग का। हाँ, और सब आए हैं। 2-3 लोग का बाइक खींचने लगे हैं। हाँ, हम लोग का भी बाइक खींच लेके भागने लगे हैं। इसके बाद हम लोग बाइक नहीं दे रहे थे। हाँ, गोली चला दी है उसके बाद। अच्छा, चलती ट्रेन में छीना झपटी कर रहा था। कितने लोग थे मारने वाले? 4-5 लोग थे। वही गोपालगंज से आपको इस वक्त एक और बड़ी खबर बता दें। अपराधियों ने ठेकेदार को गोली मारी, घर से बुलाकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। थावे थाना क्षेत्र के चाई टोला की वारदात बताई जा रही है। मृतक का नाम छोटे आलम है। परिजनों ने हत्या का आरोप कुख्यात अपराधी टाइगर पर लगाया है। पुलिस हत्या की वजह आपसी रंजिश मान रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस युवक की, जिसे देखिए, घर से बुलाकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। थावे थाना क्षेत्र के चाई टोला की वारदात बताई जा रही है। बेखौफ अपराधियों ने एक शख्स को गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना थावे थाना क्षेत्र के चाई टोला के पास हुई है और बताया ये जा रहा है कि घर से बुलाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। जो मृतक है उसका नाम छोटे आलम है और पेशे से वो ठेकेदारी का काम करता था। हत्या के बाद से इस वक्त जो परिवार है उसमें मातम मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है। ये छोटे आलम का परिवार है, छोटे आलम की माँ और भाई है, इस वक्त मातम में डूबे हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि घर से बुलाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। कैसे हत्या हुई? हत्या सूता रहा घर में, परिवार के लेके सूतला घर में। अब टाइगर फोन कैल सा, फोन करके बात कैल सा, बतिया के कहते जल्दी आ। वो तो दौड़ल गई है, वो लेके मोटरसाइकिल से गई है। हमारा दोस्त कॉल करके बताया हमको। क्या बताया गया? बताया गया कि छोटे जगह गोली लग गया है, उनके चाचा लगते हैं वो। हम गांव में थे, वो गांव से थोड़ा बाहर निकल गया है। कोई अरेस्ट हो पाया है अभी टाइगर? कोई नहीं अरेस्ट हुआ है। वो पहले एक मर्डर किया परवेज का, यहाँ गोपालगंज के परवेज गुजर का है, तो उसमें वो निकल गया। तो उसका जिसके पाता है उसके मार लेता है, मार के सोचते हैं चलो पैसा से हम निकल जाते हैं। इसी तरह बच्चे को बुलाया, बुला के मार दिया। चाईटोला में छोटे आलम की हत्या से परिवार आक्रोशित है। हालांकि पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जो भी आरोपी है, दोषी है, उनकी गिरफ्तारी होगी। गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और एसपी ने कहा है कि हत्या की वारदात में जो लोग भी शामिल है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। गोविंद कुमार, News18 गोपालगंज। और इसी बीच आपको दुमका से बड़ी खबर बता दें। बासुकीनाथ में भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है कि 20 से अधिक दुकानें इस आग में जलकर खाक हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और फिलहाल प्रशासन की टीम नुकसान के आकलन में जुटी हुई है। ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब आग लगी थी। आग की ऊंची लपटों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भीषण आग ने तबाही मचा दी। करीब 20 से अधिक दुकानें इस आग की चपेट में आ गई, जिसके बाद मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया और सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। और गया से आपको बड़ी खबर बता दें। गया एयरपोर्ट से बांग्लादेशी नागरिक की गिरफ्तारी हुई है। बौद्ध भिक्षु के वेश में बोध गया मंदिर परिसर में ये रह रहा था। बताया जा रहा है कि 8 साल से अपना नाम बदलकर ये व्यक्ति यहाँ रह रहा था। अपना नाम इसने राजीव धर बनाया था, बताया था, और ये बौद्ध भिक्षु के रूप में यहाँ पर रह रहा था। प्रशासन ने मगध मेडिकल थाना की पुलिस को इसे सौंप दिया है। गया एयरपोर्ट से बैंकॉक जाने के दौरान ही CISF जवानों ने इसे पकड़ा। लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया गया था। कई नामों के पासपोर्ट भी अब बरामद किए गए हैं।
खबर आपको मुंगेर से बताते हैं, जहां पुलिस के नाम पर साइबर ठगी का खुलासा हुआ है और साइबर ठग लोगों को केस दर्ज होने और केस हटाने के लिए पैसे की डिमांड कर रहे हैं। लोगों के पास इससे जुड़े कॉल भी आ रहे हैं। जालसाजों के नए पैतरों को लेकर एसपी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। बताया जा रहा है कि जालसाज पहले SCRB पोर्टल से थाने में दर्ज FIR की कॉपी निकालते हैं और उसके बाद केस से जुड़े लोगों की डिटेल निकालकर उसे झांसे में ले लेते हैं। ताजा घटना गंगती इलाके की है, जहां लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। एसपी ने लोगों से शातिर के कॉल के झांसे में आने से बचने की अपील करते हुए तत्काल इसकी सूचना नजदीकी थाने या फिर एसपी ऑफिस में देने की अपील की है। मीडिया के माध्यम से आम जनों को एक अपील भी करना चाहेंगे मुंगेर पुलिस की ओर से कि ऐसा अगर कोई भी कॉल आपको आता है कि जिसमें आपको बताया जाता है कि एसपी ऑफिस से हम बोल रहे हैं और केस मैनेज करने के नाम से या केस को दबाने के नाम से हम पैसा उगाही के नाम से फ़ोन आता है, तो ऐसे व्यक्ति पे बिल्कुल भरोसा ना करें। ये एक ग्रुप है, ये एक जो है संगठित गिरोह है जो कि इस तरह से काम करता है और आपको ठगने के उद्देश्य से ये करता है। इसमें एसपी ऑफिस का कोई भी लेना देना इससे नहीं है और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। गोपालगंज, छपरा और सिवान में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद सीएम ने शराब माफिया पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और अब इसका असर पूर्वी चंपारण में दिख रहा है। पुलिस ने गंडक और बागमती के दियारा इलाके में छापेमारी की। इस छापेमारी में देसी शराब बनाने की मशीन के साथ ही महुआ शराब जब्त किया गया। ड्रोन कैमरे की मदद से की गई कार्रवाई में अब तक करीब 30,000 लीटर महुआ शराब नष्ट किया गया है। एसपी के निर्देश पर पुलिस अब सभी शराब माफिया की लिस्ट बना रही है और इसमें हर पंचायत स्तर पर 5-5 शराब माफिया के नाम रहेंगे। साथ ही शराब माफिया को जड़ से खत्म करने की भी कार्रवाई हो रही है। शराबबंदी कानून को और कड़ाई से लागू करने के लिए और शराबबंदी कानून को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए सभी थानाध्यक्ष सभी SDPOs को निर्देशित किया गया है कि पंचायतवार शराब माफियाओं की सूची बनाई जाए और वैसे शराब माफिया जो सक्रिय हैं उनको जेल भेजने का निर्देश दिया गया है और वैसे शराब माफिया जो निष्क्रिय हैं उनको प्रिवेंटिव एक्शन के तहत 2-5 लाख तक का बाउंड डाउन करने का निर्देश दिया गया है और वैसे सभी शराब माफिया जो सक्रिय हैं और बड़े मात्रा में शराब की सप्लाई कर रहे हैं उन पर इनाम की घोषणा भी की जाएगी। और बड़ी खबर आपको सिवान से बताते हैं, जहां 28 लोग की मौत के बाद उत्पाद विभाग की टीम अलर्ट मोड पर आ गई है और उत्पाद विभाग की टीम ने पटना से आई IIEIB की टीम ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर भगवानपुर थाना क्षेत्र सहित कई गांव में रात भर छापेमारी कर रही है। छापेमारी से जिले में हड़कंप मचा हुआ है और इस छापेमारी में देसी शराब के साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 महिला भी शामिल है। छापेमारी के दौरान शराब से लदी एक ऑटो को भी बिहार UP बॉर्डर से जब्त किया गया है। वहीं बिहार में बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम आज बिहार पहुंच रही है। बताया जा रहा है कि 2 दिवसीय दौरे पर आज शाम ये टीम पटना पहुंचेगी। इस टीम में 7 सदस्य शामिल हैं। 21 और 22 अक्टूबर को ग्राउंड जीरो पर जाकर बाढ़ से हुई क्षति का जायजा ये टीम लेने वाली है। केंद्रीय टीम जायजा लेने के बाद बिहार सरकार द्वारा मांगी गई राशि पर विचार करेगी। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से बाढ़ से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए 3,638.51 करोड़ रुपए की मांग रखी है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं News18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार में बाढ़ से होने वाले नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम आज शाम पटना पहुंच रही है। 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय टीम पटना आ रही है। टीम में कुल 7 लोग शामिल होंगे और यह टीम 21 और 22 अक्टूबर को बाढ़ से होने वाले नुकसान का जायजा लेगी। 7 सदस्यीय टीम का नेतृत्व गृह विभाग के संयुक्त सचिव करेंगे। केंद्रीय टीम 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचकर फील्ड विजिट करेगी। 22 अक्टूबर की शाम जब टीम पटना वापस लौटेगी तो पटना में सचिवालय में ही इस टीम की बैठक आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ होगी। इसमें आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को बाढ़ नुकसान का जो प्रपोजल था पैसे का वो भेज दिया है। बिहार सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार से 3,638 करोड़ रुपए की डिमांड रखी है। डिमांड के बाद केंद्रीय टीम पटना पहुंच रही है। बिहार के डिमांड का आकलन करने के लिए ही केंद्रीय टीम यहां पहुंच रही है। आपदा प्रबंधन विभाग की माने तो बिहार सरकार ने केंद्र को जो अपनी डिमांड रखी है वह सारी परिस्थितियों और
जो नुकसान हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए की गई है। बिहार में बाढ़ के पानी से काफ़ी नुकसान हुआ है, कई घर बर्बाद हुए हैं और फसल को भी व्यापक क्षति पहुंची है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण होगा कि केंद्रीय टीम किस तरीके से पूरे मामले को देखती है, आकलन किस तरीके से केंद्रीय टीम करती है, क्योंकि एक भारी भरकम राशि की डिमांड है और केंद्रीय टीम अगर बिहार सरकार की बातों से सहमत होती है और ग्राउंड जीरो से जो हकीकत है उसको जानती है, उसके बाद जो पैसे आवंटित होंगे वह निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जो व्यापक क्षति हुई है उसकी भरपाई कर सकेंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनिजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और राज्य से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर पेंच फंसा हुआ है। 7 सीट मिलने से आरजेडी नाराज नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ज्यादा सीटों की मांग कर रहा है। आज आरजेडी इसको लेकर अपना रुख साफ भी कर सकता है। आपको बता दें कि इंडिया अलायंस में सीट बंटवारे के तहत आरजेडी को 7 सीटें दी हैं, जबकि आरजेडी की तरफ से ज्यादा सीटों की डिमांड की जा रही है और माना जा रहा है कि आज आरजेडी अपने सीट बंटवारे को लेकर रुख साफ कर सकता है। शेखपुरा में पटेल चौक के पास करोड़ों रुपए की लागत से जिम खाना का निर्माण कराया गया है। जिम खाना में स्विमिंग पूल के साथ ही कसरत के सभी सामान उपलब्ध हैं, लेकिन रखरखाव के अभाव में जिम खाना कबाड़ खाना बन गया है। डीएम ने जिम खाना को फिर से बेहतर करने के लिए नगर परिषद के प्रशासक को निर्देश दिए। एक मछली पालन केंद्र बन गया था, जिसकी सूचना मैंने जो सक्षम प्राधिकारी थे उनसे मैंने बात की थी, लेकिन जब भी ये जब से ये जिला पदाधिकारी आ रहे हैं, जिस प्रकार से ये जिला के लिए मतलब डेडिकेटेड हैं, द वे ही इज़ वर्किंग इट इज़ फिनोमिनल एंड अनप्रेसिडेंटेड। आई होल हार्टेडली कंग्रेचुलेट हिम और मैं उनकी अच्छी पहल की तहे दिल से सराहना करता हूँ। निर्देश दिया गया है कि दोनों को जो है पुनः रिनोवेशन करके जिम स्टार्ट कराया जाए, ताकि नागरिक सुविधा जो है बहाल हो सके, लोगों को आने वाले समय में दोनों चीज़ें रिनोवेट होकर के मिलेगा और इसकी सुविधाएं जो है पब्लिक उठा सकेगा। और पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां डेंगू ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पटना में 97 नए डेंगू मरीज मिले हैं। पूरे राज्य में 189 नए मरीज मिले हैं और इस साल 1 जनवरी से अब तक की अगर बात की जाए तो 5,449 मरीज मिले हैं। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। देखिए, डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और खासतौर पर राजधानी पटना में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। 97 नए डेंगू के मरीज पटना में पाए गए हैं और इस साल की अगर हम बात करें तो करीब 5,449 मरीज मिले। और रांची से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां जज की हत्या के लिए सुपारी देने का गुमनाम पत्र मिला है और हत्या के लिए बिहार के शूटर को सुपारी देने की बात उस पत्र में लिखी गई है। 2 करोड़ की सुपारी का पत्र में जिक्र भी है। खेलगांव थाने में दर्ज हुआ है पूरा मामला। पत्र में जिक्र किया गया है कि रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद 6 कैदियों के द्वारा बिहार के शूटर से संपर्क किया गया। गुमनाम पत्र में उन 6 कैदियों के नाम का भी जिक्र है। उन नामों में प्रभु प्रसाद, निवेश कुमार, सोनू पांडे, चंदन साहू, मनोज चौधरी और अरुण कुमार राय के नाम शामिल हैं और ये सभी जो बंद कैदी हैं इनकी तरफ से शूटर को कॉन्टैक्ट किया गया, बिहार के शूटर को, और उस पत्र में इन सारी चीजों का जिक्र किया गया है। और अब बात मौसम की करेंगे तो बिहार में मौसम इन दिनों शुष्क बना हुआ है। सुबह के समय आर्द्रता में बढ़ोतरी होने से विजिबिलिटी में कमी दिख रही है। हालांकि बादलों की लगातार आवाजाही से मौसम में उतार चढ़ाव महसूस हो रहा है। मौसम के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। प्रदेश भर का मौसम इन दिनों शुष्क बना हुआ है। पटना के इस मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की माने तो कि बादलों की आवाजाही जो है वो लगातार बने रहने से तापमान में क्रमिक गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह के समय आर्द्रता में बढ़ोतरी होने के कारण दृश्यता में कमी दर्ज हो रही है। दक्षिण बिहार की तुलना में उत्तर बिहार में घने बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र का ये भी मानना है कि शनिवार को पटना सहित 22 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विभाग का दावा है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के मौसम का मिजाज फिर करवट लेगा। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने के साथ ही इसका असर प्रदेश में देखने को मिलेगा। 25 से 26 अक्टूबर को राजधानी समेत 18 जिलों में बादल गरजने के अलावा वज्रपात के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है और फिर धीरे धीरे ठंड का एहसास होगा।
इस तरह से मौसम में लगातार उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में अब धीरे धीरे ठंड का जो असर है वो भी देखने को मिलेगा और कुल मिलाकर मौसम का उतार चढ़ाव लगातार जारी रहेगा और आने वाले दिनों में लोगों को धीरे धीरे ठंड का एहसास होने लगेगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। दिल्ली एनसीआर में सुबह एयर क्वालिटी में काफी गिरावट देखी गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 300 पॉइंट को पार कर गया है। सुबह आसमान में धुंध छाई रही, लोगों को सांस लेने में भी परेशानी महसूस हुई। उधर यमुना नदी में भी जहरीला झाग नजर आ रहा है। सर्दी का मौसम आने वाला है, दिवाली की तारीख भी बेहद नजदीक आ गई है और इससे पहले ही दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली के तापमान में कमी का दौर जारी है। सुबह का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में गिरफ्तार IAS संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव समेत चार अभियुक्तों को की मुश्किलें बढ़ती भी नजर आ रही हैं। ईडी ने IAS संजीव हंस को रिमांड पर लेने के लिए पटना के स्पेशल कोर्ट में आवेदन दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि संजीव हंस को 5 से 7 दिन की रिमांड पर भेजा जा सकता है और इसके बाद गुलाब यादव और प्रवीण चौधरी के साथ ही शादाब खान से भी पूछताछ की जाएगी। माना जा रहा है कि पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर ईडी आगे की कार्रवाई कर सकती है। इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में गिरफ्तार किए गए IAS अधिकारी संजीव हंस, पूर्व विधायक गुलाब यादव, शादाब खान और प्रवीण चौधरी चारों अभियुक्त पटना के इसी बेउर जेल में बंद हैं। जो संजीव हंस हैं उनको विजिलेंस वार्ड में ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन शनिवार की शाम गुलाब यादव, प्रवीण चौधरी और शादाब खान को इस बेउर जेल में लाया गया था और फिलहाल ये तीनों अभियुक्त जो हैं वो यहाँ पर अभी आमद वार्ड में हैं, जिन्हें आज विजिलेंस वार्ड में ट्रांसफर किया जाएगा। इस बीच ईडी ने संजीव हंस को रिमांड पर लेने के लिए पटना कोर्ट में, जो विशेष न्यायालय है, वहां पर अपना आवेदन दे दिया है और ईडी चाहती है कि संजीव हंस को 14 दिनों की रिमांड पर ईडी को सौंपा जाए। हालांकि जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि 5 से 7 दिनों तक संभवतः ये रिमांड संजीव हंस का ईडी को मिल सकता है। इसके बाद ईडी की टीम जो गुलाब यादव है, प्रवीण चौधरी है, शादाब खान है, इनको भी रिमांड पर लेगी और इनसे क्रॉस इंट्रोगेशन होगा, क्रॉस इन्वेस्टिगेशन करवाया जाएगा, आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। चूंकि प्रवीण चौधरी वही शख्स है जो संजीव हंस की जो अकूत और काली कमाई है उसका वारिस बन बैठा था, यानी उसी के नाम पर बेनामी संपत्ति जो संजीव हंस है उसने इकट्ठा किया था। दिल्ली में एक फ्लैट है और उस फ्लैट में संजीव हंस ने प्रवीण चौधरी को मालिक बनाया हुआ था, बेनामी संपत्ति का वो मालिक था। मूल रूप से मधुबनी का रहने वाला है प्रवीण चौधरी। इसके अलावा शादाब खान से भी उसके पुराने ताल्लुकात थे। शादाब खान एक पॉलिटिकल वर्कर रहा है और प्रवीण चौधरी जो है उससे संजीव हंस की मुलाकात उस वक्त हुई थी जब रामविलास पासवान के पीए थे संजीव हंस, उसी दौरान उसकी मुलाकात प्रवीण चौधरी से हुई थी। तो कुल मिलाकर ईडी इन सभी पहलुओं को खंगालने में जुटी हुई है और जो अब क्लू निकल कर सामने आएगा उससे ये भी पता चल रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जो अब ईडी की रडार पर हैं। बिहार के कई जो लोग हैं वो ईडी की गिरफ्त में आ सकते हैं और ईडी उनसे पूछताछ करेगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब बात करेंगे पटना की थप्पड़बाज पुलिस की। पटना से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई जिसमें पुलिस विभाग का ASI एक एडवोकेट को थप्पड़ मारता हुआ दिखाई दे रहा है। गाली देने के साथ ही वो ASI अधिवक्ता को बीच सड़क पर थप्पड़ मार रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पटना पुलिस अब इस मामले में सफाई देने में जुट गई है। देखकर गश्ती दल के पुलिस पदाधिकारी सर अनी अवधेश कुमार बीच बचाव करते हुए दोनों पक्षों को शांत कराने का प्रयास किया, परंतु मारपीट करने वाले पक्ष द्वारा पुलिस पदाधिकारी सर अनी अवधेश कुमार को भी धक्का देते हुए विधि व्यवस्था खराब करने के उतारू हो गए। खबर राजधानी पटना से आपको बताते हैं। वन विभाग की सूचना पर रेल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पक्षियों के तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 से लगभग 1700 पक्षियों को रेल पुलिस की टीम ने बरामद किया है। रेल पुलिस ने और रेल SP ने बताया कि बरामद वन्य प्राणी प्रतिबंधित पक्षियां हैं जो अलग अलग प्रजाति की हैं, जिनकी तस्करी करना कानूनन जुर्म है। तस्कर को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। ये
कल दिनांक 18/10/24 को वन विभाग से एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि कुछ प्रतिबंधित वन्य प्राणी की तस्करी करने का एक गिरोह है या कुछ व्यक्ति हैं जो ले जा सकते हैं और पटना जंक्शन से, तो उसमें वन विभाग की भी टीम थी और रेल पुलिस पटना की भी टीम थी। तो पटना जंक्शन जो रेल पुलिस की टीम है उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई, संयुक्त रूप से छापेमारी की गई और इसमें एक बड़ा कंसाइनमेंट के साथ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन उससे पहले